इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तीन ऐसी वेबसाइट्स जहां से आपको 100% डूफोलो बैकलिंक्स मिलने वाले हैं। इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए डूफोलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी अथॉरिटी यहां पे आपको देखने को मिलेगी इन तीनों वेबसाइट्स की। इन वेबसाइट्स में एक .org वेबसाइट भी है जिसपे आपको 100% डूफोलो बैकलिंक भी मिलेगा। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो आप इन वेबसाइट्स पे डूफोलो बैकलिंक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बहुत बड़ी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है बैकलिंक्स की। तो ये वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर वॉच कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए डूफोलो बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 अराउंड 101 वीडियोस हैं और ये जो वीडियो है इसमें टन्स ऑफ बैकलिंक्स मैंने आपके साथ रिवील किए हुए हैं। आपको बहुत कम चैनल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे जहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है डूफोलो बैकलिंक्स की। तो आप ये वीडियोस मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है गाइज वो है justpaste.me। सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करा देता हूं मैं आपको। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 56 है, डोमेन अथॉरिटी 43 है एंड स्पैम स्कोर काफी कम है, 3% का स्पैम स्कोर है। एंड अगर सिमिलर वेब पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करें तो 55.75% का बाउंस रेट है इस वेबसाइट का, 35,700 का मंथली ट्रैफिक है, 2.40 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। एंड इंडिया में जो इसकी कंट्री रैंक है वो है 1,82,000, 2,800 के अराउंड कैटेगरी रैंक है। एंड ट्रैफिक इस वेबसाइट पे इंडिया, पाकिस्तान, US, इंडोनेशिया एंड तुर्की से है। 69.8 अराउंड 70% डायरेक्ट ट्रैफिक है, बाकी जो ट्रैफिक है वो रेफरल, सोशल, सर्च एंड डिस्प्लेड से है। तो देखिए यहाँ पे आपको बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन अपनी गेस्ट पोस्ट, अगर आपको कोई भी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंगल पैराग्राफ देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपको यहाँ पे अपना कंटेंट देना है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे एक आर्टिकल टाइप से पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, या मैं दोबारा इसको रीराइट कर लेता हूँ, राइट। तो ये मेरा टाइटल है तो मैं यहाँ से टाइटल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो हमारा पेज का टाइटल है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ से पूरा जो हमारा आर्टिकल है जो चैट जीपीटी ने मेरे को दिया है वो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं जाके पेस्ट कर दूँगा इसको पूरा एज इट इज़। आप चाहें तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं गाइस, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा से कट करूँ और एक वेबसाइट है wordcounter.net, तो अगर कुछ फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये हट जाती है। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा और फिर से कॉपी करूँगा और justpaste.me वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना फॉन्ट साइज़ रखना है। तो हम थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम 12 PT में ले लेते हैं और ये परफेक्ट लग रहा है। और अब हम यहाँ पे हमारे ये बुलेट पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ तक इनको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है और अगर आपको आप चाहें कि आपको जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बोल्ड करने हैं तो आप कंट्रोल बी के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी बोल्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा तो वहाँ पे जाके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ पूरी कंप्लीट, ठीक है। इंक्रीज ड्यूरेंस,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है हमारी, और मेरा जो जो टॉपिक है वो है स्प्रिंटिंग बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हियर आर एट, मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा। हियर आर एट शॉकिंग शॉकिंग हेल्थ बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग। ठीक है, स्प्रिंटिंग होता है एक बहुत, जब हम तेज़ रनिंग करते हैं तो हम उसको स्प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये मेरा आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, ये वाला आर्टिकल। तो मैं इसको ओपन करूँगा और इसका लिंक यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे ये जो मेरा पर्टिकुलर ब्लॉग है इसके लिए मुझे डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना है। तो मुझे मैं यहाँ पे लेता हूँ बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग, ये मेरा कीवर्ड रहेगा, और यहाँ पे इंसर्ट और एडिट लिंक का कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ओके है। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है पब्लिश ऑन टाइम लाइन। इफ़ यू चेक दिस बॉक्स योर पेज विल बी पब्लिश्ड ऑन आवर टाइम लाइन एंड इंडेक्स्ड बाई सर्च इंजिन्स। तो हम चाहते हैं कि सर्च इंजन में इंडेक्स हो। अगर इंडेक्स होगा तभी तो ये कंसीडर होगा एज अ बैकलिंक। तो हम इसको ऑन करेंगे, एडिशनल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पेज क्रिएटर, यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ, विशाल कौशिक। ठीक है, इसके बाद कस्टम पेज यूआरएल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्प्रिंटिंग बेनिफिट्स। ठीक है, स्प्रिंटिंग बेनिफिट्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद सेंड मी ईमेल विद पेज लिंक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं कैप्चा को सोल्व करूँगा और यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पेज हैज़ बीन क्रिएटेड एट दिस यूआरएल। तो मैं अगर इस यूआरएल को पे क्लिक करूँ तो मैं अपने जो मेरा आर्टिकल जो मैंने लिखा है, मैं उस पर यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा आर्टिकल इस टाइप का आया है, और यहाँ पे आ रहा है एट बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग बाई विशाल कौशिक। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पे शायद एडिट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पेज पे क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पे कुछ जो हम ऑप्शंस जो नीचे आ रहे थे वो नहीं यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो बैकलिंक है वो 100% डूफोलो बैकलिंक है, और मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हमने यहाँ पे लिंक दिया है। अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100% डूफोलो बैकलिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से आपको हाई क्वालिटी हाई DAPA डूफोलो बैकलिंक मिल जाता है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट वेबसाइट की बात। अब हम चलेंगे सेकंड वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है demo.hedgedoc.org। ये .org डोमेन है। तो यहाँ पे आपको मैं आप पे सबसे पहले अथॉरिटी दिखा देता हूँ आपको इस वेबसाइट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 49 है, डोमेन अथॉरिटी 44 है, एंड स्पैम स्कोर भी काफ़ी कम है, 2% का है। एंड अगर सिमिलर वे पे मैं आपको इस वेबसाइट के स्टेट्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.17% का बाउंस रेट है, पेज पर विजिट 2.66 है, 42.4K मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, एंड 3 मिनट्स के एवरेज विजिट ड्यूरेशन है अराउंड। एंड नीदरलैंड से ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा, 19.55% का ट्रैफिक नीदरलैंड से है, बाकी चाइना, इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स से है। डायरेक्ट ट्रैफिक है 72% का, और बाकी रेफरल, सर्च एंड सोशल से है, और काफ़ी काफ़ी कम ट्रैफिक है ईमेल से है, 0.37%। तो यहाँ पे आपको किस तरह से बैकलिंक क्रिएट करना है गाइस, देखिए यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, साइन इन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्टर, आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो इसलिए आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, और आप लॉग इन हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है क्रिएटेड, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन करता हूँ अपने अकाउंट में। ईमेल आईडी यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे पासवर्ड दूंगा और
एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको न्यू न्यू नोट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू नोट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर से इसको रीराइट करा लेता हूँ ताकि कुछ प्लेगरिज्म का कोई इशू ना आए। ठीक है, रीराइट इट कर देता हूँ मैं इसको, तो ये दोबारा से इसको रीराइट करके हमें प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करता हूँ, एट बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग, और यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट बाय एंटरिंग अ टाइटल हियर, तो यहाँ पे आपको टाइटल देना है स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, और ये जो हमारा आर्टिकल, इसने अब मैंने जो इससे चैट जीपीटी से लिखवाया है, ये मैं यहाँ से पूरा इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं वर्ड वर्ड काउंटर डॉट नेट पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ से जो स्पेस है वो रिमूव करूँगा, फिर से कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सिंपली पेस्ट, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो अब मैं इसको, अगर मेरे को बोल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको, यहाँ पे अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, तो यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, या एक बार हम इसको देखते हैं प्रीव्यू का कहीं ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्स वगैरह कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं ये जो स्टार्स हैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें बुलेट पॉइंट देने हैं, तो हम यहाँ पे सब जगह बुलेट पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे दूँगा, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं जल्दी से अपने आर्टिकल की। यहाँ पे ये जो जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जितने भी ये हेडिंग टाइप से हैं, ये मैं सारे बुलेट पॉइंट में ले लूँगा, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए गाइस व्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, और ये जो हमारा आ रहा है स्टार, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो हमारा ये अभी जो आर्टिकल है कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो परफेक्ट लग रहा है ना अभी। और अगर आपको कुछ इसमें देखना है तो आप देख सकते हैं, कुछ और फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो देखिए आप हेडिंग इस तरह से आप दे सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें देना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट का बैक लिंक, अपने ब्लॉग का बैक लिंक। तो यहाँ पे मैं सेम वेबसाइट, सेम ब्लॉग के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ बैक लिंक, तो मैंने यहाँ से अपना लिंक कॉपी किया, और यहाँ पे भी मैं इसी टाइप से दूंगा, हियर आर एट शॉकिंग बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग। ठीक है, और यहाँ से मैं इतना रिमूव कर दूंगा, और ये जो जो हमारा कीवर्ड जो हमें देना है, मैं उसको हाईलाइट करूंगा, लिंक पे जाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं करना है। ये जो है हमारा, इस वाले ऑप्शन को हमें अपना लिंक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लिंक आ चुका है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारा ये इतना हो गया। ठीक है, हमें अपना जो टाइटल, जो जो हमें अपना कीवर्ड देना है, हम उसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ तक हमने हाईलाइट किया क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ स्प्रिंटिंग मेरा कीवर्ड होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये HTTP:// आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसको पूरा सेलेक्ट करना है, और अपना जो ब्लॉग का URL वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। तो यहाँ पे हमारा देखिए URL आ चुका है, बस हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप चाहें तो अपनी इमेज भी दे सकते हैं, यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, बाकी हम देख लेते हैं, हमारा ये सब कुछ ओके है, तो मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ हमारा इस तरह का आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिंक दिखाऊं कि ये किस तरह का बैकलिंक है, डू फॉलो बैकलिंक है, नो फॉलो बैकलिंक है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 100% डू फॉलो बैकलिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी नो फॉलो का टैग यहाँ पे नहीं है। तो ये .org वेबसाइट है और यहाँ ये इंडेक्सेबल जो बैकलिंक्स हैं, इंडेक्स ये 100% इंडेक्स होंगे बैकलिंक्स, और यहाँ से आपको लिंक जूस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी गेस्ट पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी थर्ड वेबसाइट की तरफ। हमारी जो थर्ड वेबसाइट है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है, थर्ड वेबसाइट, फाइनल वेबसाइट, वो है जॉय जॉय डॉट लिंक। ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी है, बहुत ही अच्छी अथॉरिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ओपन करता हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी 57 है, डोमेन अथॉरिटी 72 है, एंड स्पैम स्कोर 1% का है ओनली। एंड अगर सिमिलर वेब पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स को चेक करें तो बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा होगा। 73.7% का बाउंस रेट है, 486.4 थाउजेंड का मंथली ट्रैफिक है, 1.16 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है, एंड 1420 मलेशिया में कंट्री रैंक है, एंड 36 कैटेगरी रैंक है इस वेबसाइट की। और जो ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे वो है ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, टर्की एंड वियतनाम से। 48.65% का सोशल से ट्रैफिक है, सोशल चैनल से, एंड 29.44% का डायरेक्ट ट्रैफिक है। बाकी जो ट्रैफिक है वो है रेफरल, सर्च इंजन से। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है, साइन अपना अकाउंट क्रिएट करना है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप कंटिन्यू विद लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूँगा और अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मैंने लिंक पहले डाला हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट यूआरएल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड कंटेंट पे क्लिक करना है। ऐड कंटेंट पे जाएंगे आप चाहें तो पहले प्रोफाइल में भी कुछ ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हैं। अपना जो डोमेन नेम है अगर आपको चेंज करना है, या प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड करनी है आपको, या सोशल यूआरएल्स देने हैं, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे कंटेंट में। कंटेंट में आप ऐड कंटेंट करेंगे और ऐड अ यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे और अपनी जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट यूआरएल्स, यहाँ पे मल्टीपल यूआरएल्स आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस, जैसे इस ब्लॉक का मेरे को देना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो ये इसका टाइटल कॉपी यहाँ पे ऑलरेडी फैच कर लेगा। तो मैं यहाँ पे राइट चेक मार्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अनदर ब्लॉग, जैसे ये बेली बेली है, इसका भी यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये यहाँ पे देखिए इसने फैच कर लिया है। मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा ये मेरी वेबसाइट का नेम आ रहा है, मैं हटा देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं चेक मार्क पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये यूआरएल है, ये आप चाहें तो ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे 3 यूआरएल आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, तो ये 100% डू फॉलो है एंड इंडेक्सेबल बैकलिंक्स हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा लिंक जूस मिलने वाला है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी नो फॉलो का टैग नहीं है। तो इस तरह से आप इन तीनों वेबसाइट्स पे अपने बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट की ऑर्गेनिक रैंकिंग और ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो न्यू वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस।